पंचायती राज व्यवस्था में जो ग्रामीण विकास की बात हो रही है उसे आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्टि की बात नहीं है, असल है कि इस समय बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पंचायती राज का पूर्ण रूप से उन्होंने एक तरह से अगर कहा जाए तो शोषण किया है। मुखिया के जो अधिकार हैं उन तमाम अधिकारों को उन्होंने हनन किया है। और रही बात कि पंचायती राज व्यवस्था में डेवलपमेंट का, तो सात निश्चय से डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा है, क्योंकि जो वार्ड हमारे सदस्य हैं वो पूर्ण रूप से काम कर नहीं पा रहे हैं, जिसका परिणाम है कि डेवलपमेंट काफ़ी रुक गया है। और फिर दूसरी बात है कि रह रह कर करके कुछ न कुछ नया आदेश आता है। मान लिया जाए कि जल नल योजना करना था मुखिया जी को, अब मुखिया जी से ये पीएचडी डिपार्टमेंट में चला गया और एक माह हो गया है और अभी तक पीएचडी डिपार्टमेंट कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। गाँव में अगर कुछ होता है तो मुखिया जी स्वयं खड़े होकर कर कर करके डेवलपमेंट का काम आगे करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में काफ़ी कमी आई है, जो दो वर्ष 2006 में, इससे पहले भी हम मुखिया थे, काफ़ी अच्छा काम हुआ और न सिर्फ इस पंचायत में पूरा बिहार जो है उस समय तरक्की के राह पर गया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण भोजन से क्या करना चाहेंगे? आंगनबाड़ी से कितना संतुष्ट है? देखिए, आंगनबाड़ी से तो कहीं से संतुष्ट है नहीं। आंगनबाड़ी तो बच्चे को सिर्फ एक लर्निंग पीरियड में भेजा जाता है कि बच्चे वहाँ जाएँ और बैठने के लिए सीखें। वहाँ जो बच्चे का जो काम है, बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है, बच्चों को जो बैठने के लिए किया जा रहा है, मेरे समझ से तो कि टेघरा प्रखंड में कहीं भी आंगनबाड़ी संतुष्ट रूप से नहीं चल रहा है। मिडिल स्कूल में देखिए, मध्यान्ह भोजन के बाद स्थिति, जब से मध्यान्ह भोजन हुआ है तब से स्थिति शिक्षा का जो है काफ़ी गिरावट आया है। सुबह में स्कूल 9 बजे से चलता है तो लोग लगे हुए हैं भोजन में, सभी शिक्षक भोजन के इसमें लगे हुए हैं। एक तो शिक्षक आते नहीं हैं समय पर, जो आते भी हैं शिक्षक तो वो लग गए खिचड़ी में, आज ये मीनू बनाना है, ये मीनू बनाना है, सुबह से शाम तक वो लोग मीनू में ही रहते हैं। और फिर इसका जो खाना बनना है, वो हाजिरी पहुँचाना, ये करना वो करना, शिक्षा में भी काफ़ी गिरावट आई है। लोग शिक्षित हो रहे हैं लेकिन शिष्टाचार में काफ़ी कमी आई है। 2019 के चुनाव को आप और आपके पंचायत की जनता, आवाम, किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, आज के तारीख में बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में 3 उम्मीदवार का नाम आ चुका है। राजग गठबंधन से हमारे माननीय गिरिराज सिंह हैं, महागठबंधन से श्री डॉक्टर तनवीर हसन जी हैं और अकेला लेफ्ट फ्रंट की तरफ से डॉक्टर कन्हैया जी हैं। डॉक्टर कन्हैया जी और डॉक्टर तनवीर हसन, ये दोनों बेगूसराय ज़िला के बेटा हैं। निश्चित रूप से इन्हीं दोनों के बीच में बेगूसराय की आवाम रहेगी। मेरे पंचायत का, चूँकि राजग गठबंधन पिछले दिनों यहाँ से हमारे स्वर्गीय भोला बाबू जीते, उन्होंने या राजग गठबंधन ने कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया। अगर कुछ हुआ तो वो सिर्फ पंचायत के मुखिया के ही जरिया हुआ। पिछले 5 सालों में राजग गठबंधन के उम्मीदवार से कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। और इस वक्त राजग गठबंधन से खास तौर से इस क्षेत्र के लोग, बरौनी परिक्षेत्र के लोग काफ़ी नाखुश हैं, जिसका पहला कारण है यहाँ के लोग काफ़ी नाराज़ हैं। और निश्चित रूप से कि एक तो लोकल उम्मीदवार, दूसरी बात है कि वैशाली को भेज दिया गया है सहरसा, जिससे यहाँ के जो आवाम है इस क्षेत्र के, बारो उत्तरी, बारो दक्षिणी, उत्तरी निपनिया, मधरापुर, पकठौल, धनकौल, किरतौर, अमरपुर, जयनगर, गंगा प्रसाद, इस क्षेत्र के लोग काफ़ी नाराज़ हैं और इस नाराज़गी का फायदा दूसरे गठबंधन को मिलेगा।